भक्त और भगवान के बीच में आस्था की डोर भावना से ही बनती है और इसी भावना के कारण ही भक्त अपने भगवान से सीधा जुड़ जाता है। जिस प्रकार से भक्तों को भूख प्यास सर्दी गर्मी सहित अनेक चीज़ों का एहसास होता है, उसी प्रकार से उनके भगवान को भी। इसी भक्ति को दर्शाने के लिए बढ़ती ठंड के बीच धार्मिक आस्था की हरदा शहर के मंदिरों में भक्तों ने अपने भगवान को शीतलहर से बचाने के लिए ऊनी वस्त्र पहनाए हैं। दरअसल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वह हरदा के मेन रोड पर स्थित नर्मदा एवं सत्यनारायण मंदिर में भगवान राधे कृष्ण नर्मदा में माँ नर्मदा जी को ठंड से बचाने के लिए ऊनी वस्त्र पहनाए गए हैं। वहां मौजूद भक्तों ने एक बुजुर्ग द्वारा बताया गया कि यहां पर यह प्रथा काफ़ी समय से चली आ रही है या आदिकाल से चली आ रही है। विशेष रूप से भगवान को ऊनी वस्त्र, रजाई, कम्बल आदि पहनाया जाता है। खाने में भी इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि भगवान को भी गर्मा गर्म खाना मिले, जैसे गाजर का हलवा का भोग लगता है। उनका कहना है कि जैसे व्यवस्थाएँ हम अपने लिए करते हैं वैसे ही भगवान के लिए भी व्यवस्था की जाती है। बसंत पंचमी तक ये व्यवस्था रहेगी और उसके बाद दोनों भक्त और भगवान साधारण कपड़ों में दिखाई देंगे। हरदा से आलोक पटेल की रिपोर्ट। जी आपका नाम बताएं, क्या नाम है आपका? गंगा देवी व्यास जी। सत्यनारायण मंदिर जी। बताएं अभी किस प्रकार से ठंड है? अभी ठंड ज़्यादा, दो दिन तीन दिन से ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए भगवान को शाल उड़ा देते हैं। अच्छा। सुबह स्नान करा के थोड़ा सा फूल पत्ती चढ़ा के सब और बाद में शाल भी उड़ा देते हैं, माला बाद में देना। ये अभी से कब तक रहेगा इस प्रकार से? ये तो मतलब जब तक ठंड रहेगी शाल तो रोज उड़ाते, थोड़ी गर्मी पड़ने लगेगी जब दिन में नहीं उड़ाते, और अभी दो चार दिन से ज़्यादा ठंडी पड़ रही है इसलिए सुबह भी पहना देते हैं वापस। जी आपका नाम बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावना शुक्ला है। जी बताएं अभी आप मंदिर में दर्शन करने आए हैं, किस प्रकार से ठंड है बताएं? ठंड तो दो दिन से ज़्यादा पड़ रही है। हाँ। और ऐसा लग रहा है कि दो तीन दिन और पड़ेगी, इसलिए मंदिर में भी यहाँ भगवान को गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं। हाँ। शॉल पहनाई अभी भगवान को। अच्छा। शॉल के ऊपर से माला पहनाई, आज गुरुवार है। हाँ। आज भगवान का दिन है। अच्छा। इसलिए भगवान को शॉल वगैरह माला वगैरह। ये कब तक भगवान को कब तक पहनाई जाती है सर? ठंड में कब तक होता है? ठंड के ऊपर जैसे अभी तीन चार दिन का और ठंड रहेगी तो तीन चार दिन ज़्यादा ठंड में भगवान को शॉल पहनाते हैं, और अगर ज़्यादा लंबी चली तो पहनाना ही पड़ता है, रात को भी पहनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।